आप सभी लोगों ने दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच हुआ वो देखा ही होगा, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी हार मिल चुकी है। जी हां, इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैच में उन्हें बुरी तरीके की हार मिली है। लेकिन जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने मुकाबला खेला था, वहां पर ऋषभ पंत मैदान में मौजूद थे। जी हाँ, हम सभी ने ऋषभ पंत की काफी सारी पिक्चरें सोशल मीडिया पर देखी, जब वो फैंस के साथ सेल्फी ले रहे थे या जब वो खिलाड़ियों के साथ भी मिल रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त ऋषभ पंत को लेकर दो बातें चल रही हैं, क्या उनका स्टेडियम में आना सही फैसला था या उनका स्टेडियम में आना गलत फैसला था। अब देखिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनका स्टेडियम में आना सही फैसला था, उसके लिए ये रीजन दिए जा रहे हैं कि ऋषभ पंत को रिफ्रेशमेंट मिला है, ऋषभ पंत ने टीम का मोराल बूस्ट किया है, जब वो खिलाड़ियों से मिले होंगे तो खिलाड़ियों का मोराल बूस्ट हुआ होगा, टीम मीटिंग हुई होगी, प्लेयर्स को उन्होंने समझाया होगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, डेविड वॉर्नर के साथ वो मिले होंगे। तो कुछ लोग ऋषभ पंत को लेकर ये रीजन दे रहे हैं कि ऋषभ पंत का मैदान में पहुंचना सही था, ताकि फैंस को उनकी एक झलक मिल जाए, प्लेयर्स का मोराल बढ़ जाए, उनका रिफ्रेशमेंट हो जाए, क्योंकि जब से वो इंजर्ड हुए, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो सिर्फ घर में ही थे, तो एक उनको बाहर रिफ्रेशमेंट उनका हो जाए। तो ये रीजन चल रहा है ऋषभ पंत को लेकर कि उनका मैदान में आना सही बात थी। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत का मैदान में आना गलत डिसीजन था। अब गलत डिसीजन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड है, अभी उन्हें अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप होना है, क्या पता वर्ल्ड कप तक ऋषभ पंत फिट हो जाएं, उन्हें अपनी रिकवरी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ ऋषभ पंत बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे जब वो बैठे हुए थे स्टेडियम में, फैंस बार बार आकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियोज उनकी बना रहे थे, तो इससे भी ऋषभ पंत काफी ज्यादा परेशान हुए थे। एक रीजन ये भी बोला जा रहा है कि जब उनको DDCA लेकर आ रही थी, लेकर जा रही थी, तो वहां पर ऋषभ पंत को कुछ दिक्कत हो सकती थी, जब उन्हें ग्राउंड पर लेकर आया गया वहां पर ऋषभ पंत के साथ कुछ हो सकता था, ऋषभ पंत को दिक्कत हो सकती थी ग्राउंड में जाने के लिए। BCCI ने उन्हें डगआउट में बैठने के लिए भी मना कर दिया था कि ऋषभ पंत डगआउट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऋषभ पंत को लेकर। अब ऐसी जब दोनों बातें चल रही हैं कि ऋषभ पंत का मैदान पर पहुंचना सही फैसला था या गलत फैसला था, तो दोनों ही बातें सोशल मीडिया पर इस वक्त लोगों के बीच में हैं। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि वाकई में ऋषभ पंत जो मैदान में गए हैं दिल्ली कैपिटल्स को चीयर्स करने गए थे, क्या वो उनकी गलती थी या उनका वो सही फैसला था। लेकिन आप लोगों को एक फैसला लेना है, वो है माई 11 सर्किल पर अपनी टीम बनाने का। जी हाँ, टीम आप बनाएंगे माई 11 सर्किल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्पोर्ट्स सियारी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको माई 11 सर्किल का लिंक, उस लिंक पर टैप कीजिए, माई 11 सर्किल को डाउनलोड कीजिए और स्पोर्ट्स सियारी के स्पेशल कूपन भी डालेंगे आप तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे, फायदा होगा आप लोग का काफी ज्यादा। और माई 11 सर्किल को आप डाउनलोड करेंगे तो उससे स्पोर्ट्स सियारी को भी काफी सारा प्यार मिलेगा। तो ऐसे ही अपने फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स सियारी को प्यार देते रहें, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।